चालाक लोमड़ी या फिर ग्रीडी फॉक्स, भैया इनकी औकात ही क्या है। अगर आप लोगों के चेहरे सामने आएंगे नजरों से तो गिरोगे गिरोगे। इससे कहीं ज्यादा रंगीन एपिसोड हमारे होंगे। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ कि देखिए, शादी के दिनों में ही पुत्तन परी को ये पंगा क्यों लेना था। संबंध जो है वो रोक भी सकते थे। देखिए, अब शादी में आपको उनको तो इनवाइट करना नहीं है, और एक चीज पुत्तन, तुम बिजी बहुत हो, कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी काट रही हो, घर का भी काम देख रही हो, छोटे बच्चे के साथ भी परेशान हो रही हो, सफर कर रही हो, है ना। तो तुमने ये थोड़े टाइम के लिए ये चीजें रोक क्यों नहीं ली? अभी आप लोगों के सामने जो मामी इतनी परेशान हो रही थी, वो किसी की लाइफ पर आई थी और आकर उन्होंने दो बातें बोली थी कि अगर ये सब चीजें नहीं रुकी तो वो अपनी बात जो है वो सबके सामने रख देंगी। अभी तो फाइनली उस फैमिली ने बोल दिया कि हमारा इस फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। जिनके दिमाग में, जिनकी सोच में ही कीचड़ भरा हुआ है, वो चीजें अब निकल के सामने आ रही हैं। पति निकला दारूबाज, पति ने हुल्लड़बाजी करी, पति ने दारू पीकर तमाशा किया, पति ने गाने लगाए, ये सब कहती हुई पुत्र नजर आई थी। लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो भाई बैठा हुआ था, पति साथ में था, पति ने कोई हुल्लड़बाजी नहीं करी, पति ने कोई आंखें नहीं दिखाई, पति ने गुस्से से भी नहीं देखा, ना ही पति ने अपने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन दो पर्सन ऐसे कोई थे साथ में जिनको शराब पिलाकर वो साथ में लेकर चल रहे थे। भैया, सड़क तो लगेगी ही, घर के बाहर से कोई भी आए कोई भी जाए, अगर आप घर में सेफ हो तो घर में ही रहो ना। तो यहां पर जो है उतावली तो तुम हो पुत्तन, तुम्हें भागकर बाहर जाने की शौक लगी हुई है कि देखूं तो गाने कौन बजा रहा है ना। अब जो है यहाँ पर ये बातें तो देखिए बहुत गलत हैं जो कि हो रही हैं इस समय, है ना। लेकिन यहाँ पर गुलाब सिंह ने रो रो कर जो है एक दुहाई लगाई है। उसने बोला, मत शादी होने देना तुम लोग मेरी, है ना, मेरी ही शादी पर तुम्हें ये सब पंगे करने हैं। बिल्कुल अक्षय कुमार को सोच लीजिए किस लहजे में बात करी होगी, लेकिन अक्षय कुमार नहीं है, गुलाब सिंह, ठीक है। तो बस यही बात है कि तुम लोग रुक नहीं सकती थी, यही सब चीजें करने था। और एक जो है वहां बिहार में बैठी ज्ञान बांट रही है, और वो ज्ञान कहाँ से ले रही है? वो डिंपल जी के जो एपिसोड है वो देख रही है। डिंपल जी ने बोला मेडिटेशन करिए, लेकिन डिंपल जी ने और भी बहुत कुछ बोला है, वो तो वो समझती नहीं है, ठीक है। और मोटू ने जो स्क्रिप्ट है वो क्या सूफी में लिख दी? नहीं, मोटू ने भी डक पटक खोले हैं, ड्रिंक करी है उसने, ड्रिंक करके ही उसने स्क्रिप्ट रखी लिखी है। भैया, वो तो पैग साथ ही में रखता है, वो तो शायर शायरानी में अपना काम करता है ना, ऐसे थोड़ी ना, है ना। अब पुतन जो है घर में ही जहां पर ड्रिंक का माहौल है, खुद ही मोटू के लिए बोल चुकी है झूठी बोल चुकी है ये। और भाई साहब बहुत शौक फरमाते हैं खाने और पीने दोनों का, ठीक है। तो जिनके घरों में ये सब चलता है, तुम्हें सड़कों पर प्रॉब्लम है, भाई हद हो गई। अच्छा, ये चीजें तुम्हें पुत्तन अब नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें? क्योंकि तुम्हारा ही तो कहना था मैं वहां आना चाहती हूँ। तुम तो प्यार की पिंगे बढ़ा रही थी, तुम तो पिंगे झूलना चाह रही थी, ठीक है। तुम तो नन्नू के साथ अपनी जिंदगी जो है बहुत एंजॉय करना चाह रही थी। ऐसे एंजॉय करते हैं भाई? ये वाक्य में ही बहुत ही बड़े झूठी फैमिली है, लेकिन एक बार फिर से आगाज कर चुके हैं अपने रंगीन एपिसोड का। रंगीन एपिसोड ऐसे होंगे ये नहीं पता था, ठीक है। आज मुझे एक बात याद आ रही है कि गुलाब सिंह ने एक समय जो है मुझे मामा के लड़के को प्रमोट करने की वजह से मुझे धमकी दी थी इस बात के लिए कि हम लोग एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर। तो चलिए, उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं भी हैरान थी, भैया मैंने किसी को प्रमोट किया तो मैंने क्या गलत किया? कोई गलत नहीं किया ना। लेकिन भैया ये पता नहीं कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं। अभी एक्शन लिए हैं तो पता लग गया भैया इनकी औकात ही क्या है ना। एक्शन लिए तो किस चीज पर लिए हैं एक्शन?
कि मैंने इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है और इनकी पिक यूज करी थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक्शन लिया तो बहुत अच्छी बात करी भैया। अब तुम लोगों के जो है गुलाब सिंह है, चाहे वो पुत्तन है चाहे वो झूठी है, अगर आप लोगों के चेहरे सामने आएंगे तो आप अपने व्यूअर्स की नजरों से तो गिरोगे गिरोगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपके जैसे जैसे ही आपके जो व्यूअर्स है वो कम हो रहे हैं तो आगे आगे फिर जीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप दिखाना कि कितनी मेहनत करके आप कहाँ से कहाँ पहुंचे हो, लेकिन आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर रिएक्शन चैनल बने हुए हैं तो वो मतलब किसी ना किसी के ऊपर तो बोलते ही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपिल शर्मा शो बना हुआ है तो वो भी किसी और के ऊपर ही जोक सुनाता है। और यहाँ पर झूठी भी आज कहती हुई दिखाई पड़ी है कि मुझे जोक पसंद नहीं। भैया अगर किसी को जोक पसंद नहीं है ना तो वो जोक मत करे दूसरे के ऊपर भी। जहां पर अगर आप अपने ऊपर मजाक या हंसी नहीं सहन कर सकते हो तो दूसरे को भी मजाक मत बनाओ। जहां पर नन्नू फैमिली को मजाक बनाया, चालाक लोमड़ियों पता नहीं कितना कुछ कहा गया उनके लिए, जब अपने लिए वो चीजें करी जाती हैं दूसरे जब फिर अपने ऊपर वो बात आती है ना तो आपसे सहन नहीं होती, तो फिर उतनी हद में रहो ना कि आप भी अगर ये चीजें आपके ऊपर पलट कर आती हैं तो मतलब आपको भी बुरा ना लगे, है ना। तो ये चीजें सबके साथ बनी हुई हैं, तो मैं ये यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर YouTube के ऊपर जितने भी रोस्ट करने वाले चैनल हैं, जितने भी यहाँ पर रिएक्शन देने वाले चैनल हैं, तो यहाँ पर वो सब लोग जो हैं, ये नहीं कि गॉडफादर यही लोग हो गए जिनके ऊपर रिएक्शन, रिएक्शन उन्हीं चीजों पर दिया जाता है कि जो कि गलत हो रहा है समाज में। सोशल मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस, मतलब कि हम लोग तो बता रहे हैं कि आप अवेयर रहें ऐसे लोगों से, अपनी लाइफ में इनको अपना गॉडफादर मत बना लेना, गॉडफादर गॉड मदर मत बना लेना, ठीक है। इन लोगों के एक्सपीरियंस बेकार है, इन लोगों के जैसे आपको नहीं बनना है, आप अपनी फैमिली को ही पहले देखिए। इज्जत सबसे कहते ना, इज्जत कमानी तो बहुत मुश्किल है, इज्जत कमानी पड़ती है जहां पर। तो जो मोटिव है इन लोगों का यही कहना है कि हमारी फैमिली में से भी कोई चैनल ओपन नहीं करेगा, उसकी वजह तो यही है कि हमारी तो भैया कोई इज्जत नहीं, और सोशल मीडिया पर जो लोग भी आते हैं उनकी भी कोई इज्जत रहती नहीं है, इसलिए डरा धमका के सब लोगों को बिठा रखा है, ठीक है। कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं आएगा, अपना चैनल कोई भी ओपन नहीं करेगा, ये बात ही ठीक है। और ये चीज भी बताना चाहती हूँ कि हमारी तो भैया कोई इज्जत है नहीं, इसलिए हम तो सोशल मीडिया पर हैं, और अपने ही जो अनमैरिड फैमिली मेंबर हैं, कजन्स हैं, उन लोगों को मना कर रखा है कि कल को शादी वादी करने में भी दिक्कत होगी। तो ये चीज मोटू ने जो है अपनी साली को क्यों नहीं मना किया था कि भैया तू भी यूट्यूब पे मत आ। देखिए ना, अभी वो आई ना, उसी का एग्जाम्पल ये अपनी फैमिलीज में दे रहे हैं, दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज के लिए टोका जाएगा चंपा को भी, लेकिन चंपा कहाँ मानने वाली है, वो अपना नया चैनल ओपन करके ही रहेगी, और हम भी यहां से कहेंगे चंपा अपना चैनल ओपन कर, ठीक है। तो यही वो बात थी, अगर आप लोग एग्री करते हो इस बात को तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि वाक्य में कितने रिस्पेक्टफुली लोग बनाते हैं अपने फैमिली व्लॉग, उनको तो लोग कोई कुछ नहीं कहता है। अगर बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कभी उनको कुछ सुनने को मिल भी जाता है तो उनको ही पता होता है कि उनकी कोई गलती रही होगी, है ना, लेकिन इतने कमेंट्स में वो झांकने नहीं जाते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं उन सब चीजों को, ठीक है। अब कैरी मनाटी जो है वो दूसरों को ही तो रोस्ट करता है, लेकिन एशिया का नंबर वन यूट्यूबर है वो, है ना, लेकिन इनको लगता है कि इनके सर पर ही सब लोग जो है वो कमा रहे हैं, उनके घर जो है इनके सर से ही चल रहे हैं, इनके नाम से चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इनके ऊपर तो बातें करते ही रहेंगे, अभी जो जितने भी रंगीन एपिसोड इनके होंगे उससे कहीं ज्यादा रंगीन एपिसोड हमारे होंगे। और पंडित की भविष्यवाणी जो है वो कितनी सच है कितनी झूठ निकली, एक्चुअली में असली बात ही ये थी कि पुतन क्या वहां पर जाना चाहती थी नन्नू के यहाँ पर, कि क्योंकि पंडित ने बोला है कि तुम्हारे लड़की होकर ही रहेगी, दो बच्चों का योग बताया, एक बच्चा तो हो गया, ठीक है, और दूसरे बच्चे का भी योग बताया है, उसने बोला कि बेटिया होगी, बेटा तुम्हारे घर, बिटिया तुम्हारे घर, बिटिया होगी, अब होगी तो वो कैसे होगी, ठीक है। तो इसलिए वो नन्नू के यहाँ जाना चाहती थी वापस आने के लिए कि देख झूठी मेरे हो जाएंगे तो बच्चे, तो उनमें से एक तू ले लियो, है ना, इसलिए भैया इतनी सारी बातें। और वो जो झूठी है वो तो मतलब वाली है, वो तो अलग ही अपनी ही रो में बहती चली जा रही है, उसकी तो अलग ही मंशा है, उसकी तो अलग ही सोच है, उसके तो रंगीन एपिसोड होने वाले हैं, उसके रंगीन एपिसोड होंगे, ऐसे ही नहीं होंगे,
क्योंकि रंगीन एपिसोड ऐसे होंगे, जो मोटू है और साथ में भाई साहब है, उन्होंने किया है खाने पीने का पूरा इंतजाम, सारा अरेंजमेंट, डीजे पार्टी का, डीजे नाइट का उन्होंने करा है, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ, गुलाब सिंह ने कहा कि देखिए सस्पेंस होना चाहिए मेरी शादी में, मेरी शादी में सस्पेंस होना चाहिए कि मैं क्या क्या पहनूंगा, मेरी बीबी क्या पहनेगी और उसकी फैमिली क्या क्या पहनना चाहती है और फैमिली में क्या क्या हो रहा है। लेकिन सस्पेंस तो बना रखा है इधर मोटू की फैमिली में, मोटू की फैमिली में सस्पेंस बना रखा है कि कौन कौन आएगा। अब आप लोगों के सामने ये बात रखी जाती है कि आज जेठानी साहिबा को बुलाया जाएगा और क्या जो ये सूट के ऊपर सूट, सूट के ऊपर सूट, सूट के ऊपर चेंज करने वाली झूठी है, ठीक है। लेकिन अभी उसमें सारा कुछ वो वीडियो में कैप्चर करेगी तो क्या जिठानी साहिबा को बुलाया जाएगा बच्चों के समेत? देखिए आखिरी शादी है, घर की सबको बुलाना चाहिए। देखो तुमने नहीं बुलाया ना झूठी, नाराज हो जाएंगे हम लोग, नाराज हो गए तो फिर नाराज होकर रोस्ट करेंगे, रोस्ट करेंगे और जबरदस्त रिएक्शन देंगे, तुम्हें बुलाना चाहिए सारा, ठीक है। और बेस्ट फ्रेंड का तुमने अभी तक नाम नहीं लिया और तुमने ये भी नहीं बताया कि बेस्ट फ्रेंड को तुमने ब्याना में, जो कि पंजाबी में ब्याह बोलते हैं, ब्याह में तुमने क्या मनस के दिया, ठीक है, करवा चौथ के व्रत के बाद, ठीक है। मोटू की तो मुंह दिखाई नहीं हुई, तुम्हारी तो मुंह दिखाई देख देख के भैया हम लोग अब बोर हो चुके हैं। और ये चीज भी बताना चाहती हूँ कि दानों के निकले दाने, अब यहाँ दाने निकले, यहाँ निकले, यहाँ निकले, अब हमें क्या लेना देना भाई, जिस हिसाब से तुम ठूस ठूस के ठूस ठूस के खाओगी। लेकिन खुद पर ही मेंटेन करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इसने ये नहीं बताया कि इतना वेट कम करके कौन सी कंपनी ने कहा था इसको कि वेट कम करे। आज तक वो सारे के सारे राज बने हुए हैं, चाहे एपिसोड हाइड करने थे, चाहे फिर इसको वेट कम करना था, चाहे मुंबई केस के राज थे, चाहे बिग बॉस में जाने वाली बात थी, चाहे ब्रांड एम्बेसडर इसको बनना था, सब कुछ राज राज राज, ठीक है जी। लेकिन अभी ये राज जो हैं वो जल्दी ही खुलेंगे, जहां तो चंपा इनके जैसे हो जाएगी, जहां फिर इनको अपने जैसा बना लेगी, जहां चंपा सबको ठिकाने लगा देगी, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है ना, रातों की नींद जो है उड़ा चुकी हैं ये अपने ननिहाल वालों की, ठीक है, रातों की नींद उड़ा चुकी हैं, जहां उनको फालतू में भी वो इनवाइट भी नहीं, वो आना भी नहीं चाहते, उनको कोई मतलब भी नहीं है तुमसे, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि आज तो यहाँ शादी में बहुत ही मस्त हुए घूम रहे हो ना, कि हम लोग इतने घमंडी हो चुके हैं कि हमारे आगे कोई भी नथु खड़ा है, सब लोग है ना, हम लोगों की परवाह नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, उन्हीं सब चीजों को ये मानती हुई नजर आती हैं। लेकिन ये इतना नहीं सोचती कि आने वाले दिनों में भैया दिन फिरते किसी के नहीं, मतलब दिन बुरे किसी के भी नहीं रहते, बुरे दिन तो उनके पहले भी कभी नहीं थे, मामा लोगों के, मौसी लोगों के, ठीक है। दिन फिरने में कोई वक्त नहीं लगता, आज ऊंचाइयां वो भी छू लेंगे, ठीक है, शादियां उन लोगों के यहाँ पर भी होनी है, फिर तुम लोग तो अपने घर में बैठे होंगे ना, सब लोग इंजॉय करेंगे वहां पर, जो मामा लोग एक दो हैं उनकी फैमिली में, वो जो एक आएंगे जो मोटू को पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, वो वाले मामा भी आएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि वहां पर भी अभी जब शादी होगी मामा के बेटे की, तो ये सब लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन ये कीचड़ फैमिली नहीं जाएगी, है ना, तो फिर कैसा फील होगा? फिर वैसे ही फील होगा। अब बोलना गुलाब सिंह, अब तुम बोलियो कि नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होते। भैया यहां तो तुम लोगों ने खून में पानी मिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ तो तुम लोगों ने रंग बदल लिया, हो सकता है तुमने बहुत समझाने की कोशिश भी की हो लेकिन नहीं समझे, लेकिन खैर तुम भी इतने अच्छे नहीं हो, नहीं तो तुम अगर इतने अच्छे होते तो मौसी के बेटे ने जब वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था तो तुम भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर खुलकर सामने नहीं बताते कि क्यों मैंने उसका साथ छोड़ा, क्योंकि मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, ओके, ये सब बातें हैं। लेकिन फिलहाल उनको स्ट्रेस है, उनकी रातों की नींद उड़ी है, पहले तो उड़ा रखी थी पुत्र ने किसी और के थ्रू, अब पुत्र कहती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन लगा दी है भैया इसने, पता नहीं कौन कौन से एलिगेशन लगा रखे हैं उनके ऊपर। तो ऐसा ही कुछ बातें, ऐसे ही कुछ राज जो जल्दी ही खुलकर सामने भी आएंगे, और खुद ही मामा के बेटे ने भी कुछ चीजें ऐसी क्लियर करनी है आप सब लोगों के साथ, ये बताते हुए कि आप लोग भी YouTube से कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो, है ना जी।
तो लाखों रुपए कमाने की बात तो खैर हर कोई नहीं कमा सकता, लेकिन इन लोगों ने वाकई में कमाए हैं। ये जहां से यहां तक पहुंचे जो कुछ भी हैं आज व्यूअर्स की वजह से हैं, ठीक है, लेकिन खुद को ही हमेशा से अपने आप को सर्वोप्रिय कहने वाले ये फैमिली, तो कहती हूं मैं यहां पर कि व्यूअर्स आज इनको देख रहे हैं तो इनके भाव बढ़े हुए हैं। व्यूअर्स आज देखना बंद कर दें तो फिर समझ ही सकते हो आप लोग, है ना। तो फिर वही चीज है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, किसी की रोजी रोटी नहीं छीननी चाहिए, लेकिन अपने सोशल मीडिया के थ्रू कम से कम एक अपनी जर्नी ही दिखाइए, अपनी डेली जो रूटीन है वही दिखाइए, जिस वजह से आप लोगों को लोगों ने पसंद किया था। फिलहाल तो कीचड़ या नेगेटिविटी इतनी स्प्रेड करी जा चुकी है, इतनी स्प्रेड करी जा चुकी है कि उसको समेटना ही मुश्किल हो चुका है। हम लोगों के इतने पॉजिटिव एपिसोड आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को लगता है कि बहुत कमियां हैं हमारे एपिसोड में, ठीक है। कुछ अच्छे लोगों पर बात होनी चाहिए, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे मैसेज देने चाहिए हमें, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं, कहते हैं कि एग्जाम्पल किसी का भी हो, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके ऊपर हमने बात भी की है, जिनके लिए हमने बोला भी है, जिनकी पिक्स क्लिप सब यूज की है हमने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो कमियों को अपनी कहीं ना कहीं सुधार लेते हैं। लेकिन यहां पर तो ये तीन टिकाड़ा काम बिगाड़ा, ये तीन जो है ना, तो भाई इनके लिए तो अब क्या ही बोले। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि एपिसोड जो है प्लीज आप लोग देख लिया करें, अगर आपने फुल एपिसोड जो मेरे अभी तीन थे देखे होते, वॉच किए होते, तो आप लोगों को वो भी मैंने जो लास्ट में पूछा था, भैया मेरी आत्मा कभी भी जाग जाती है ना, तो लास्ट में जो मैंने पूछा था कि चालाक लोमड़ी या फिर ग्रीडी फॉक्स, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैं आप लोग जरूर से लिखना और मैं आप लोगों के रिप्लाई जरूर से दूंगी, नहीं तो लाइक तो जरूर से करूंगी। और एक चीज ये भी बोली थी, प्लीज 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 आप करेक्टर के नाम ही मेंशन किया करें, ठीक है, और रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों से कि करेक्टर के नाम ही मेंशन किया करें आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो अभी तक का मेरा ये वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए जी, मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।